हेलो एवरीवन, आज मैं आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसके टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है। जनरली वेल्डिंग के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है और हीट को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, वर्क पीस के रेजिस्टेंस का। कैसे, देखिए ये प्रिंसिपल है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच है हीट जनरेटेड, आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क पीस, टी है टाइम। हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा करंट, लगभग 10,000 एम्पियर, और कितने समय के लिए, 0.01 सेकेंड के लिए। जब हम बहुत ज्यादा करंट को, बहुत ज्यादा करंट को आई और बहुत कम समय, टाइम बहुत कम समय के लिए किसी इलेक्ट्रोड में से गुजारते हैं, तो जब ये वर्क पीस में से जाता है करंट, तो क्या होता है, वर्क पीस के रेजिस्टेंस के कारण इसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है। एच बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने के कारण वेल्डिंग होता है। देखिए ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, दोनों कॉपर के बने हुए होते हैं। ये जो है अपर वाला, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है, और जो नीचे वाला है ये फिक्स इलेक्ट्रोड है। इस पे शीट को रख दिया जाता है और ये जो है ऊपर से आता है। जब जैसे ही इलेक्ट्रोड शीट के कॉन्टेक्ट में आता है, सर्किट पूरा हो जाता है। अब करंट जो है, करंट को शीट के अंदर से जाना पड़ेगा, जबकि शीट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो करंट को रोकेगा। रोकने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगा और उस हीट से वेल्डिंग हो जाएगा। और ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो प्रेशर और हीट दोनों, जो शीट है ये वेल्ड हो जाएगी आपस में, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा करंट, लगभग 10,000 एम्पियर यूज़ किया जाता है फॉर द 0.01 सेकेंड के लिए इसमें से गुजारा जाता है, ठीक है। और ये जो है जनरली रेफ्रिजरेटर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पॉट वेल्डिंग यूज की जाती है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो चार तरीके की होती है, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। देखिए इसमें इलेक्ट्रोड जो पॉइंटेड है, इसमें स्पॉट लगाए केवल। अब सीम वेल्डिंग में आपको दिखाता हूँ, सीम वेल्डिंग में क्या होता है। सीम वेल्डिंग में देखिए, ये सीम वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग में यहाँ पे पॉइंटेड इलेक्ट्रोड नहीं है, यहाँ पे रोलर हैं। एक फिक्स्ड है, वही सेम कॉपर के बने हुए, एक मूवेबल है। इसमें क्या होता है, जब ये मूवेबल इलेक्ट्रोड नीचे आता है तो ये इलेक्ट्रोड घूम रहा होता है, तो शीट इसमें से पास होती है। जैसे गन्ने के मशीन में से गन्ना पास होता है ना, वैसे ये शीट जो है अपने आप चलती रहती है। तो इसमें जो है यहाँ पे वेल्डिंग होना शुरू हो जाती है, दिखाई दे रहा होगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो ये सीम वेल्डिंग होती है। इसमें भी वही हीट जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो वर्कपीस का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो करंट को रोकने की कोशिश करेगा, उसके कारण हीट जनरेट होगा और उस हीट से जो है वेल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस स्पॉट लगता है, प्रेशर रोलर के द्वारा लगाया जाता है, लीक प्रूफ जॉइंट, क्योंकि ये लाइन वेल्डिंग है, पूरी वेल्डिंग हो जाएगी इसलिए लीक होने की संभावना ही नहीं रहती, और थिन मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है ये, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रोजेक्शन वेल्डिंग पे। देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है, देखिए इसमें जब ये इलेक्ट्रोड, मूवेबल इलेक्ट्रोड नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे 1, 2, 3, मतलब मोर देन वन स्पॉट। स्पॉट वेल्डिंग में केवल एक स्पॉट लग रहा था, सीम वेल्डिंग में क्या हो रहा था, लाइन वेल्डिंग हो रही थी, इसमें मोर देन वन स्पॉट आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, नगेट बनने के, नगेट ये, क्योंकि ये जब प्रेशर अप्लाई करेगा, नीचे से भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो इसमें जिस तरीके की शीट जो है जहाँ पे वेल्डिंग हो, इस तरीके के नगेट बन जाते हैं ड्यू टू मोर प्रेशर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोटी शीट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्यों, और उस शीट को यूज़ किया जाता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट ऑब्टेंड होती है। अगर पतली शीट होगी तो वो जल जाएगी, अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होगी तो वो क्या होगा, जल जाएगा और जो है टूट जाएगी शीट। इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए और मोटी शीट होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्लैश बट वेल्डिंग। फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें देखिए वर्टिकल प्रेशर लगा रहा था ये हमारा जो है इलेक्ट्रोड, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगेगा। कैसे लगेगा, ये देखिए, ये जो है फिक्स क्लैंप है ये वाला, इसके अंदर एक वर्क पीस लगा दिया मैंने, ये है मूवेबल क्लैंप, ये ट्रांसफॉर्मर है, वही इसके अंदर भी एक मैंने वर्क पीस लगा दिया। अब क्या होगा, ये मूवेबल क्लैंप आगे की तरफ ऐसे जाएगा, जैसे ही ये इस दूसरी शीट के कॉन्टेक्ट में आएगा यहाँ पे, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और इसके हाई रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होगा और हीट जनरेट होने से यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर हम अप्लाई करेंगे यहाँ से,
ये प्रेशर हम अप्लाई करेंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगी हीट। ये फ्लैश बट वेल्डिंग जनरली टाइटेनियम, माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग और उसके प्रकार थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर और भी वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।